मैं हूं आलोक कुमार और आपसे करने आया हूं कुछ मोटिवेशनल बातें। आज मैं ये बताने आया हूं कि आलस्य के कारण क्या नुकसान होता है। आलस्य की वजह से मनुष्य जो है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आज जो करना है कल करेगा, कल जो करना है परसों करेगा, मॉर्निंग में जो काम करना था उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके शाम तक ले जाएगा और शाम की चीज़ों को सुबह तक ले जाएगा। तो देखो भाई, अपॉर्चुनिटी जो है ना अवसर, वो तो उसी को साथ देती है जिसका माइंड प्रिपेयर्ड होता है। अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। याद रखो, आलस्य के कारण चीज़ों को यदि आप सही टाइम पर नहीं करते हैं तो आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है और फिर अवसर अपॉर्चुनिटी जो कि हमेशा ही दस्तक देते रहती है वो आपको फिर साथ नहीं देगी। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था, बड़ा ही आलसी था। आलस की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। इस चीज़ को लेकर के गुरुजी बड़े ही परेशान रहा करते थे। वो चाहते थे कि उनका शिष्य आगे चलकर कुछ करे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उसे एक पत्थर दिया और बोला कि ये पत्थर तुम्हारे पास दो दिनों तक रहेगा और इस पत्थर में गुण ये है कि कभी भी तुम इसे लोहा से टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा। शिष्य तो बड़ा खुश हुआ भाई कि दो दिनों में तो मैं ढेर सारा दुकान से लोहा ला करके और सबको सोना बना दूंगा, ज़िंदगी में फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आलस उसकी आदत में थी। आलसीपन की वजह से उसने उस पत्थर को ले तो लिया लेकिन उसने सोचा अभी तो दो दिन है, पूरा दो दिन पड़ा है, आज तो आराम करते हैं, कल ये काम कर लेंगे, कल मैं दुकान में जाऊंगा और ढेर सारा लोहा खरीद करके लाऊंगा और सबको सोना बना दूंगा। तो इसी सोच में उसका एक दिन निकल गया। दूसरा दिन जब सुबह हुआ तो उसने सोचा कि चलो भाई अभी तो पूरा दिन ही पड़ा है, शाम तक तो ये काम मैं कर ही लूँगा। शाम भी हो गई, फिर उसका माथा ठनका लास्ट में, अरे भाई जल्दी जल्दी चलो दुकान, नहीं तो अब इसका जो शक्ति है वो ख़त्म होने वाली है। तो शाम ढलते के साथ वो दुकान जाने लगा लेकिन दुकान में जाने के पहले ही रास्ते में ही शाम ढल चुकी थी, दिन ख़त्म हो चुका था और उसके सामने उसके गुरुजी आ गए और पत्थर मांग लिया कि शिष्य दो दिनों तक मैंने तुम्हें अवधि दी थी, दो दिनों तक तुम्हारे पास ये पत्थर रहा, अब मुझे ये वापस कर दो। शिष्य बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा गुरुजी एक दिन की मोहलत मुझे और दे दो, एक दिन मुझे और मोहलत दो, एक पत्थर, ये जो पत्थर है मेरे पास एक दिन तक और रहने दो, मैं अगले दिन दे दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं बेटे, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया था दो दिनों का, दो दिन का समय तुम्हारा गुजर गया, अब ये पत्थर मैं ले लूँगा। तुमने आलस्य की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को अपने काम में नहीं लाया, आलस की वजह से अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजे पर ठक ठक करते रही लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया। तो भाई देखो, आलस्य को तुम्हें त्यागना पड़ेगा क्योंकि आलस्यम ही मनुष्यानाम श्रीरस्तो महान रिपोह। तो उसके इस आलस्य ने उस इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से वंचित कर दिया। तो ध्यान रहे मेरे फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना हमेशा ही दस्तक देते रहती है लेकिन आलसीपन की वजह से तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो अपनी चीज़ों को। जैसे होमवर्क मिलता है तो अभी का अभी कर लो, शाम तक टालो नहीं, और शाम की जो चीज़ करनी हो तो कल तक मत टालो, कल की जो चीज़ें हो परसों तक मत टालो। ऐसा नहीं आज जो करना है कल करना, कल कर करना जो है परसों करना, अभी जीना है बरसों, इस उद्देश्य में मत जियो भाई। काल करो से आज करो, आज करो से अब। बाली अगर उगती तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है ढंग से तो तुम हमेशा ही प्रिपेयर रहोगे। और अपॉर्चुनिटी फेवर्स, रिमेंबर अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।